इंग्लैंड का पानी जो अकेला नासलैंड के बारे में या इसके बारे में अच्छा माना जाता है। ऑल टुगेदर अगर आपने हमने अपनी बॉडी जो है वो अगर अल्कलाइन लेवल पे मेंटेन की बराबर पानी के जगह से थोड़ा पानी के ऊपर हो या थोड़े से ऊपर हो तो ये अपनी पूरी गलती है या अच्छे से होती है हमारी की रही है हमारी ओके। और हमारा जो है इसके बारे में हमारा पूरा पार्ट जल हम लोग स्ट्रक्चर आइडिया द्वारा उसकी मालूम आपको अगर होना है तो वो नितिन भाई आपको आपके घर पर आके या आपके ऑफिस में आके या आपके घर में इस हिसाब से आपको बताएंगे गेहूँ भी बताएंगे। अगर आपको आपका पानी चेक करना है आपके घर में कौन सा आता है प्रॉपर है नहीं चेक कीजिए सो जो भी आपको बताएंगे वो भी चेक करके होंगे ओके। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये मालूम जो है ये देने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी थैंक यू सो मच सब डायनेटिक लोग देखे मुझे खुशी हुई बराबर। ये एक्चुअली हम ऐसा ग्रुप में पहले डेमो है हमारा पहले डेमो हम दूसरे करते नहीं है ये घर में फैमिली के साथ करने का मौके देखो करते हैं तो उनका पानी वगैरह लेके हम शेयर करते हैं लेकिन उन्होंने जब बोला कि सब स्टार्टअप के लोग हैं तो हमें लगा चलो अच्छी बात है इंट्रेक्शन भी करें मालूम भी रहेंगे और यह आने के बाद सब देख के अच्छा लगा आपने मुझसे ये अपॉर्चुनिटी दी थैंक यू सो मच। और सबको थोड़े क्वेश्चन सर ये अल्कलाइन वाटर 7.4 से कम का होता है तो इट इज़ बैड फॉर हेल्थ वो तो समझ में आ गया लेकिन अगर ज़्यादा हुआ 13, 14, 15 तो क्या होगा आपके अपना बॉडी का जो पी एच आ गया वो मेंटेन करना है 7.4 बराबर जैसे बॉडी एसिडोसिस होती है वैसे बॉडी अल्कोलोसिस भी होती है प्रॉपर वर्ड नहीं आता है वो भी नहीं चलती मेरे को हमारा पी एच जो 7.4 के करीब मेंटेन करना है 7.4 के नीचे भी गलत है 7.4 के ऊपर भी गलत है तो ये जो अपना पानी है वो 9.4 वाला है वो रेगुलरली अपन पियेंगे तो अपना पी एच लेवल जो पानी है इसीलिए दिया जाता है 9.4 का कि हमारी बॉडी जो है अगर आप पी एच चेक करेंगे हमारे घर का तो जनरली सबका पी एच वेरी आता है लेकिन हमारा जो फूड हैबिट है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है तो 99% हमारा पी एच जो है वो नीचे आता है तो उसको जल्दी रिकवर करने के लिए पानी देते हैं जैसे भी आप रेगुलर हो जाते हो अपने अपना पी एच बराबर दो तीन महीने के बाद तो आपको 8.5 पी एच का ही पानी पीना है पानी आपको जो पीना है वो 8.5 का ही पीना है लेकिन डिपेंड करता है मोस्टली कंपनी जो है वो स्टार्ट में 9.5 पी एच का पानी रिकमेंड करती है इसीलिए रिकमेंड करती है कि जल्दी आपकी बॉडी की एसिडिटी बने बराबर जल्दी आपका पी एच जो है वो 7.4 के करीब वो कैसे पता चलता है वो पी एच आपका वो ब्लड ब्लड टेस्ट से अपने बॉडी में पीएच लेवल मेंटेन हो गया ये तो अपनो ये लैब से पता चलेगा ब्लड टेस्ट हां बराबर आप उसको अगर बोलेंगे कि भाई मुझे मेरा पीएच चेक करना है डॉक्टर वो आपको ये होता है जब भी बोलते हैं कि आरोप पानी पीते हो तो बाहर गए कोई गलत काम के लिए तो उससे उनका जल्दी बच्चों के ये पानी समझो तो रेगुलर पी रहे 15 दिन के लिए बाहर गए चाहे पानी भी नहीं लेते और कुछ दूसरा काम पी लिया तो जनरल ऐसा है कि हेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो कुछ पर्सन का ऐसे रहते हैं उनके अगर सोने की जगह भी चेंज हो गए तो लोग नींद नहीं आते बराबर रेयर केस में ऐसे लोग रहते हैं बराबर उनको कुछ भी चेंज हो आपको तकलीफ होती है। अगर ये पानी के स्पेसिफिक बारे में मैं बात करूँगा तो ये पानी है ये आपका जो पानी रेगुलर पानी उसको सिर्फ रिस्ट्रक्चर करता है उसकी मॉलिकुलर साइज चेंज करता है उसमें से ऐसे अलग करता है अलग करता है इसमें कुछ भी मिलाया जाता नहीं और कुछ भी चेंज किया जाता नहीं वही पानी है जो आप पी रहे हैं बराबर सिर्फ मॉलिकुलर जो है वो चेंज हो रहा है सिर्फ पानी का जो हो रहा तो 99% ऐसा कुछ ये पानी पीने के बाद होता नहीं लेकिन मैंने आपको कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोने की जगह भी चेंज हो गई तो उनको नींद नहीं आता है कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको ये पानी पिए या कोई भी पिए तो उनको तकलीफ होने वाली है लेकिन आपका सवाल बराबर है तो 99% केस में ऐसा कुछ होता नहीं। मेरा एक सवाल जैसे वापी में आरओ का क्यों यूज ज्यादा है सम पार्ट ऑफ वापी जीएनसी जो स्टोर वाटर है वो आता नहीं था तो वी यूज टू ड्रिंक बोरिंग वाटर और उसमें टीडीएस 800 तक 900 तक होता है सो दैट्स व्हाई
पिछले 10 सालों में आर ओ का यूज बढ़ गया, जो वाटर सप्लाई है वो लिमिटेड पार्ट में, सब सिटी में ऐसा नहीं, लेकिन 3-4 टियर सिटीज में ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम आर ओ यूज करते हैं कि पथरी का प्रॉब्लम ना। वो तो कर ही रहे, अब ये कैसे लाइफ स्टाइल में अंदर आएगा? ऐसा है, आपने जो ये किया है पीडीएस के बारे में, इसमें दो एक मजेदार किस्सा भी है। जनरली आरो का जो मशीन बना है वो जहाँ के पास हो पीडीएस दो प्रकार का पानी है, वहाँ 800-900 है, वहाँ पे आरो लगाना जरूरी है। बराबर, वहाँ के लोगों ने आरो लगाना ही है, आरो बनाया ही उसी के रहा है। लेकिन आरो वालों ने क्या किया, 800 पीडीएस का पानी, 1000 पीडीएस का पानी जनरली कहाँ पड़ेगा, वहाँ के लोग जो है उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं, सिटी के लोग उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो बड़ा सुधर मिल जा रहा बताया कि जो पाइपलाइन वो टूटी है पानी गंदा आता खराब आता वगैरह वगैरह। बराबर, अब उधर लोगों ने आरो की मशीन लगा है। अभी आपके केस में जो है आरो की मशीन जो लोगों ने यूज़ की है वो सही है, प्रॉपर है, लेकिन आरो का सेल कैसे पड़ा, आरो का सेल बहुत बड़े पाए होने पर घर में ऐसा वैसा बड़ा कि जैसे मेरे पड़ोस में कोई रहता है वो रेडी में आरो लगाया करते हैं, बराबर, मेरे घर पे नहीं है तो मेरे मिशनर उधर आरो का मशीन लगाया है, वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड आरो का मशीन लगा, बराबर। ट्रेन में से आरो का मशीन जो है खास करके जहाँ पे जरूरी नहीं है, जहाँ पे जरूरी वहाँ पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे जरूरी नहीं है वहाँ पे ये जो ट्रेन है उसमें से मशीन ज़्यादा बचे गया है। और आजकल मुंबई और पुणे में ट्रेन बहुत जोर में चल रहा है, टी टी पार्टी में तेरे घर पे आया नहीं कर रहे, मेरे घर पे नहीं, बराबर, और वहाँ पे आया नहीं कर सिर उस तरीके से ज़्यादा होता है, बराबर। तो अभी जैसे नासिक है, नासिक में 90 PDS का पानी आ गया कॉर्पोरेशन में, उसको जरूरत नहीं आ रहा होता अभी, वीडियो चला नहीं तो उसमें उस आपके मालूम किया ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आरो को बैन करने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है। और मैं आपको कुछ ये भी भेजूंगा, आप हमें वीडियोस बाद में फॉरवर्ड कीजिए लिंक यूट्यूब पे, वी कैन शेयर इन द कम्युनिटी, बराबर, जो लोग नए आए वो भी देख पाएंगे। दिल्ली में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, बराबर, में भी बंद है, दमन में भी, दमन में भी बैन, 500 का के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट वहां पे डिसीजन ले रही है, वहां पे आओ बैन करना है, करना है, बंद करना, बराबर। अभी बात रही आपने जो सवाल पूछा था तो उसके लिए अभी एक सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं, लेकिन उसके सोल्यूशन वही है कि आपका जो आरो का मशीन है उसके सामने मशीन को लगाना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि आपका जो 800 पीडीएस का पानी होगा तो 800 में से 80% भी पीडीएस रिमूव किया तो आपका पीडीएस बनता कितना, 160, बराबर, 90-100 पीडीएस का पानी है और उसमें 20-25 बच रहा है, वहाँ पे पीडीएस आओ, बराबर, सिर्फ फर्क इतना है कि आपका जो पानी है वो इसमें इसमें से हम कवर ही करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो पानी जो है वो रिकवर करेंगे। ये मशीन बैक्टीरिया और ये मशीन जो है इसके साथ 3 फिल्टर आते हैं साथ में, पहला रहता है पीपी फिल्टर जो पानी में जो मिट्टी वगैरह है वो रिमूव करता है, ब्लॉक कर देता है, दूसरा रहता है कार्बन, पानी में वो सीवर ऑर्डर आता है तो वहाँ से वो निकल जाता है, तीसरा रहता है यूएम, यूएम में पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं मोस्टली वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। ये जो आपको पता है यूवी, बराबर, तो इसको यूवी की जरूरत नहीं रहती, ये रिस्ट्रक्चर करता मतलब क्या करता मैं आपको बताता हूँ, इसमें चेंबर रहता है, चेंबर में टाइटेनियम की और प्लैटिनम कोटिंग कोटेड प्लेट्स रहती है टाइटेनियम की, बराबर, और उसको इलेक्ट्रॉनिक का सप्लाई रहता है, उसके कुछ कैलकुलेशन रहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलोसिस, बराबर, ये पानी जब उसको प्लेट को टच करता है तब पानी टूटता है वहाँ से, बराबर, तो इलेक्ट्रोलोसिस की प्रोसेस में गलती से ये से कुछ बैक्टीरिया आगे निकला या छूट गया तो वो वहाँ पे भी फील हो जाए। जो यूवी काम करता है वो इधर का चेंबर जो है वो वहाँ पे काम हो जाता है, बराबर, ऑलरेडी होती है फिल्टर में 99% ये हो जाता है, लेकिन कभी कभी पानी बहुत खराब आता है उस टाइम बैक्टीरिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइम अगर बैक्टीरिया गलती से वहाँ से निकल भी गया तो चेंबर में जाके जाओ जहाँ भी पानी रिफ्लेक्टेड होता वहाँ पे ये होता है, ठीक होता है, यू वी बैक्टीरिया ठीक नहीं होता आपके वहाँ मान लीजिए। एनी मोर क्वेश्चंस? जैसे कुछ आपने बताया कि 800 PDS का जो वाटर है वो 80% भी कम हुआ तो 160 F पे आएगा, तो इज देयर एल्कलाइन वाटर? अल्कलाइन तो नहीं, वो नहीं, बट वो चलता है, वो चलेगा, वो मतलब वो 75 के ऊपर एप्लीकेबल पानी तो प्रॉब्लम नहीं है वो पानी में, 75 के ऊपर पानी आपको चलने वाला है, बराबर, अल्कलाइन हो कि नहीं हो
उनके माइंड में थॉट आया कि ये जो 2,70,000 वगैरह
है, तो हमने वो उन्होंने ये किया कि मिडिल क्लास को भी एक मशीन अफोर्डेबल रेट में भी लगी, इसलिए उन्होंने काम शुरू किया और ये प्रोडक्ट कितने टाइम से चला? ये प्रोडक्ट भी सर आपके साथ से काम कर रहे बराबर एक साल से, हमारा मशीन रेडी है लेकिन हमने मार्केट में लाया नहीं, हमने कुछ लोगों को मशीन दिया, कुछ लोगों को पानी पिलाया बराबर दशहरे से हमने मार्केट में लाया है हमारा प्रोडक्ट है, तो हम खाली मैंने वही बोला कि सिर्फ कोई कहीं जो भी सुना है कि अल्कलाइन पानी बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है, कुछ भी बना क्या ऐसा नहीं किया, पूरा टेस्टिंग करके पूरा फीडबैक लेके फिर अभी हमने इसमें हमारा पूरा कॉन्फिडेंस दस रहे थे, हमने लाए और 40 लोगों को अब तक मशीन हमने दिए मुंबई पूना नासिक हैदराबाद नागपुर वापी में भी दिए तीन मशीन ऑलरेडी दिए वापी में बराबर दशहरे से हमने हैदराबाद काम शुरू किया है, टेस्टिंग पूरा करके लाए पूरा रिजल्ट वगैरह पूरा समझ में आने के बाद आप मेंटेनेंस जो मशीन है इसको कोई मेंटेनेंस नहीं है, ऑटो क्लीनर का प्रोसेस है, उसको मशीन को हफ्ते में एक बार अपने प्रेस किया तो 10 सेकंड में मशीन क्लीनर हो जाता है, उसके साथ जो बाहर के फिल्टर आते हैं वो मेन को मेंटेन करना है, नॉर्मल फिल्टर रखेंगे अभी कुछ केमिकल ऐसा कुछ भी नहीं डालना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अपने मशीन का कि इसमें कोई ना क्लीनिंग के लिए केमिकल डालना है ना कोई इसमें कोई क्लीनिंग का है, कोई ऐसा ये नहीं है आर्टिफिशियल वाला कुछ भी नहीं है, वो क्या रहता है जो प्लेट्स रहती है जो रिस्ट्रक्चर करते हैं पानी को, जब रिस्ट्रक्चर करते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं तो उसमें मिनरल भी फ्री हो जाते हैं, वो कैल्शियम भी प्लेट के ऊपर जाके चिपक जाता है, इसी प्लेट आती है प्लेट कुछ प्लेट भी आती है जिसको प्लेट आती है रिस्ट्रक्चर होता है, जैसे कितनी प्लेट आती है? तीन प्लेट पाँच प्लेट सात प्लेट नौ प्लेट ऐसी आती है, ये जो मशीन है तीन प्लेट का है, दूसरा भी हमारा प्रोडक्ट है जो पाँच प्लेट का है बराबर, आगे भी प्रोडक्ट लाएंगे, ये बेसिक प्रोडक्ट है हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए बोलेंगे अफोर्डेबल से अफोर्डेबल नहीं है, ये भी नहीं है जनरली ऐसा है कि पानी पीना आपको कोई भी मशीन दो 2 लाख का लो 2.5 लाख का लो 4 लाख का लो 4 लाख का भी मशीन क्या नहीं है, पानी आपको 8.5 लीटर का पीना है बराबर, तो ये जो बेसिक नीड है ये पानी तो है, दूसरे कंपनी के कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जिसमें वेरिएशन के वाला पानी आता है, 2.5 पीएच का भी पानी आता है, 11 पीएच का भी पानी आता है बराबर, 10 पीएच का या 10.5 पीएच का जो पानी है उसमें अगर वेजिटेबल आपने रखे तो उसमें से वो केमिकल जो वॉल्यूम हो जाता है, उसके लिए अलग से प्रोसेस करने की या दूसरा मशीन की जरूरत नहीं है, 2.5 पीएच का जो पानी है उससे पोछा लगाने के लिए काम में आता है, फिर आपको कोई हाथी या कोई किरण विरण की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो इटसेल्फ एसिड है बराबर, तो वैसे उसके अलग अलग यूज है, वो अलग अलग यूज के हिसाब से वेरिएशन की अच्छी मशीन भी आते हैं, लेकिन आपने कोई भी मशीन लिया यानी वो भी मशीन लिया 2.5 लीटर वाला तो पानी तो आपको 8.5 लीटर पीना है, तो हमने पहला प्रायोरिटी रखा कि पीने का पानी, वो भी मशीन हमारे आ रहे हैं अभी, हमारा जो 5 लीटर का मशीन है उसमें 3 पीएच है 7.5, 8.5, 9, आगे जो मशीन आएगा वो वेरिएशन की वाला आएगा, लेकिन मेन क्या है पानी आपको 8.5 लीटर पीना है, तो हमने प्रायोरिटी रखी जो लोगों को बाद में जिनको यानी वो फ्रूट्स वेजिटेबल जो है इससे ज़्यादा पहले पानी पीने के लिए आपको दो, क्योंकि उस वो जब ये करते हैं पानी का रेजिस्टेंस लाना है आउटपुट तो मशीन की क्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो सब क्वालिटी जो है वो हेवी है बराबर, तो इसलिए हमने मशीन जो है रेगुलर मशीन करके उसको हमने यूज किया है ज़्यादा रेगुलर और ये पीने के पानी वो एक